में दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि सारा का सारा सुरक्षा व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था नकली सिंघम का है सर, नकली सिंघम का राउंड में चैलेंज दिया सर आपको। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। अरे भैया, महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे, इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, उद्योगपति के नीचे बम लगा रहे थे, पुलिस वाले उसमें शामिल थे, पुलिस वाले हर होटल से पैसे की उगवाई कर रहे थे। अभी उस वक्त कानून व्यवस्था रखने वाले गृह मंत्री जेल में थे। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी, निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मैंने तो ये कहा भी है, फरवरी 2024 से अगर हम देखेंगे जहां एक पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई बीजेपी एमएलए और मिंडे सेना के लोगों में, फिर अभिषेक घुसालकर जी की डेथ हुई, जो मुंबई हाईकोर्ट ने निर्देश दिया मुंबई पुलिस को कि आप ये जांच नहीं करेंगे, हैंड इट ओवर टू द सीबीआई, कि आज तक पता नहीं चल पाया है क्या मोटिव था, कैसे था, कौन और तीसरा वहां पे था या नहीं पता, वो अब सीबीआई ने टेक ओवर किया है। फिर कुछ ही दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार जी के ग्रुप के एक आदमी को बाइकला ईस्ट में स्टैब किया था और अब हमें ये दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि यहां पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का, पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है, या तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने आए। मैम, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महाविकास आघाड़ी में? कभी चर्चा आप लोगों ने खुलकर भी कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे पे चुनाव होना चाहिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने कहा कि पहले महायुति अपना चेहरा है, फिर हम अपना चेहरा डिक्लेयर करेंगे। पवार साहब ने उसको बैक किया है बट पवार साहब कहीं मना कर चुके, कैसे देख रहे मुख्यमंत्री चेहरे बोले काफी चर्चा है? नहीं, मना किसी ने नहीं किया है महायुति से कोई, हम यही कह रहे हैं कि सारा प्रेशर महाविकास आघाड़ी पे लगाया जा रहा है, आपका चेहरा कौन, आपका चेहरा कौन। कोई ये नहीं देख रहा है कि उनके वहां झूठी गठबंधन में ही तीन चीफ मिनिस्टर के दावेदार खड़े हैं, अजीत पवार हों, खुद देवेंद्र फडणवीस हों और एकनाथ शिंदे तो हैं ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो आपस में ही जो खींचतान चल रही है वो देश देख रहा है। बार बार ये अटकलें लगाई जाती हैं कि शायद अजीत पवार अलग हो जाएंगे, अजीत पवार रहेंगे या नहीं रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स को उल्टी आती है एनसीपी अजीत पवार के साथ बैठकर भी, तो ये सारे वहां पे हम देख रहे हैं। साथ ही साथ शिवसेना पहले बीजेपी के साथ रही हो या अब कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी के साथ, हमने अपनी पक्ष हमेशा स्पष्ट रखा है और अपना मत जो है किसी मुद्दे को लेकर वो भी किया है, जहां हमने कहा कि महाविकास आघाड़ी के लिए ये ज्यादा बेहतरीन रहेगा कि हम एक लीडर को डिक्लेयर कर दें कि कौन हमारा सीएम फेज होगा।